मैं पारस मल परोक्ता टेक्सटाइल डिज़ाइन। आज आपको अल्टरनेट पाइल के बारे में बताऊंगा, जो कि वार्प पाइल का एक क्लास है। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था यू शेप और वी शेप के द्वारा वार्प पाइल कैसे बनाते विद द एड ऑफ दी वायर। आज अपन एक नई विधि पढ़ेंगे, नए मेथड को पढ़ेंगे, जिसका नाम है अल्टरनेट पाइल कैसे बनाते हैं विद द एड ऑफ दी वायर। तो इसमें भी क्या है करना है अपने को, सबसे पहले वार्पिंग अरेंजमेंट को ढूंढना है। तो वार्पिंग अरेंजमेंट है टू ग्राउंड वन पाइल, और वेफ्टिंग अरेंजमेंट है टू पाइल वन वायर, और ग्राउंड भी वे अपनी प्लेन वन अप वन डाउन। तो ई पी आर पी पी आर कितने हो गए, टू टाइम्स लिए अपन ने, 6x6 का रिपीट साइज बनेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पर 6x6 की मार्किंग कर देंगे, और उसमें वार्पिंग अरेंजमेंट है टू ग्राउंड, एक टू ग्राउंड पर लिख दिया, वन पाइल लिख दिया, टू ग्राउंड वन पाइल, वेफ्टिंग अरेंजमेंट लिख दिया टू पाइल या टू पिक वन वायर, टू पिक वन वायर। तो सबसे पहले ग्राउंड एंड में अपन लोगों ने प्लेन भी भर दी, वन अप वन डाउन, वन अप वन डाउन, वन अप वन डाउन, वन अप वन डाउन। फिर क्या करना है अपने को, अल्टरनेट पाइल बनानी है। अल्टरनेट पाइल में एक वायर को एक पाइल एंड के ऊपर अप करना है, और दूसरे वायर को दूसरे पाइल एंड पर अप करना है। जो मैंने जैसे पहला अप किया, अपन ने पाइल एंड के ऊपर वायर को अप किया, ये अप हो गया, और ये दूसरा है वायर एंड को, वायर को पाइल एंड के ऊपर अप कर दिया वायर को, ये हो गया। तो अब इस डिज़ाइन से अपन इसका बनाते हैं क्रॉस सेक्शन व्यू। तो अपन ने पहले ये लिख दिए, ग्राउंड एंड वायर, ग्राउंड एंड वायर, ग्राउंड एंड, और ए टू पिक हो गए, ए टू पिक वायर, टू पिक वायर। तो अपन इसका अपन इस दिशा से अपन बनाते हैं क्रॉस सेक्शन व्यू। तो ग्राउंड व्यू ये इसका हो गया पहले, फिर पी वन एंड लिया, ये पी वन एंड, ये पी वन है, इस पी वन को टू डाउन है, ये टू डाउन, फिर वायर अप है, ये वायर अप किया, और वापस इसी में से निकालना है, इसी पिक के ऊपर है ये अप वायर, ये नीचे निकल, फिर ये पूरा कंटिन्यूस डाउन करके ये पूरा आगे बढ़ गया, फिर पी टू एंड लिया जो पाइल बनाएगा, ये लिया जो कि रेड कलर से दिखा रहा हूँ मैं, ये रेड कलर से दिख रहा है आपको कितना डाउन है, 1 2 3 4 5, 5 डाउन है, तो 1 2 3 4, और ये 5 के ऊपर ये अप आ जाएगा, ये लिया, ये चलते चलते ये यहाँ आया, ये करके ऐसे करके इसी में से निकाल दिया, 1 2 3 4 5, और 6 ये वायर अप हो गया। इस तरह से ये पी वन से और पी टू से मिलकर इस अल्टरनेट पाइल का अपन क्रॉस सेक्शन व्यू बनाते हैं। फिर आता है डब्ल्यू शेप, जिसको फर्स्ट पाइल के नाम से भी जानते हैं। डब्ल्यू शेप पाइल बनानी है, इसको फर्स्ट पाइल के नाम से भी जानते हैं। तो इसका वार्पिंग अरेंजमेंट है टू ग्राउंड वन पाइल, और वेफ्टिंग अरेंजमेंट है थ्री पिक वन वायर। तो उसका ई पी आर पी पी आर कितना हो गया, ई पी आर हो गया टू टाइम्स, तो 6 तो ई पी आर हो गए, टू टाइम्स वेफ्ट वाइज लेंगे तो 8 हो गया, तो 6x8 का रिपीट साइज हो गया। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पर 6x8 का मार्किंग करेंगे ग्राफ पेपर पर, जैसे इसमें आप देख रहे हैं क्या। तो सबसे पहले अपन जो अपने ग्राउंड एंड है उसमें अपन प्लेन वी भरेंगे, वन अप वन डाउन, वन अप वन डाउन, वन अप वन डाउन, इस तरह वन अप वन डाउन, वन अप वन डाउन, वन अप वन डाउन, प्लेन वी भर दी।
फिर पाइल एंड के ऊपर वायर को अप करना है, पाइल एंड के ऊपर वायर को अप करना है, जो कि ग्रीन मार्क के द्वारा दिखाए गए हैं। 1, 2, 3 और एक ऐसी बताने हैं डब्ल्यू शेप में। तो इन चारों को वायर को अप कर दिया पाइल एंड के ऊपर। फिर इसमें एक वन मोर इंटरलेसमेंट दिया इसकी प्रॉपर बाइंडिंग के लिए, जो कि ब्लैक से आपको लाइन के द्वारा दिखाई जा रही है वाली। पिक में एक और इस अप कर दिया पाइल एंड के ऊपर, पिक को भी एक अप कर दिया। इस तरह से इसका डिजाइन बन गई। अब डिजाइन बनने के बाद इसका बनाते हैं क्रॉस सेक्शन व्यू, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। पहले तो दो एंड लिए जी, तो इससे ये प्लेन व्यू बन गई आपकी, प्लेन व्यू का इंटरलेसमेंट हो गया। फिर ये लिया पी, जो रेड पेन से दिखाई दे रहा है, ये क्या कर रहा है, वन डाउन, ये वन डाउन, देन वन अप, वन डाउन, और ये वायर अप हो गया। तो ये अप किया इसी में डाउन, फिर ये अप, ये फिर डाउन, और इसी में से ये अप करते हुए ये वायर बना। तो इस तरह से अपन इसका क्रॉस सेक्शन व्यू बना सकते हैं। वापस देखिए आप, ये पहला पॉइंट है डाउन, पहला पिक डाउन है, तो ये डाउन किया, ये नीचे डाउन चल रहा है, फिर अप है, ये अप किया, ये जो फिर डाउन, और ये वायर अप है, चौथा पॉइंट। तो ये चौथा अप हो गया, फिर ये डाउन हो गया, फिर ये अप है, और फिर ये डाउन है, और ये वायर फिर अप हो गया। इस तरह से ये क्रॉस सेक्शन इसका बना सकते हैं डब्ल्यू शेप फर्स्ट पाइल का। अब क्या है, द डब्ल्यू शेप और वी शेप में जो पाइल बनती है ऑन द अल्टरनेट पिक, सो फर्स्ट पाइल स्ट्रक्चर है, और द रेगुलर वी पाइल एंड यू पाइल शो पुअर फास्टनेस ऑफ द पाइल स्ट्रक्चर। इसमें जो पाइल का स्ट्रक्चर होता है वो क्या ज़रा लूज होता है। दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर नीड ए स्पेशल ट्रीटमेंट टू इम्प्रूव द फास्टनेस ऑफ द स्ट्रक्चर। तो उस जो पुअर फास्टनेस है उस स्ट्रक्चर को अपने को क्या करना है, इम्प्रूव करना है। इसके लिए अपन एक आफ्टर ट्रीटमेंट करते हैं, आफ्टर ट्रीटमेंट करेंगे या उसके ऊपर कोई फिनिश लगाएंगे, ऐसी केमिकल फिनिश लगाएंगे ताकि वो उसमें बाउंड हो जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ए कोटिंग ऑफ लेटेक्स रबर इज अप्लाई टू द बैक ऑफ द फैब्रिक्स। दिस ट्रीटमेंट हेल्प टू इम्प्रूव द फास्टनेस ऑफ द पाइल स्ट्रक्चर इन द फैब्रिक। तो अपन क्या, जो कपड़ा बन गया उसके पीछे अपन क्या करेंगे, रबर का लेटेक्स का सॉल्यूशन अप्लाई करेंगे कपड़े के बैक साइड में, ताकि पाइल उस स्ट्रक्चर में से बाहर नहीं निकल सके। थैंक यू। इस तरह से अपन ये वार्प पाइल का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इसके मेथड को अपन यहाँ समाप्त करते हैं।